कर उतरे, अलग निष्कर्ष है। पर मुझे खुशी है दो लोकसभा के साथियों से मैंने चर्चा करी, हम इस लोकसभा चुनाव को भी आगामी विधानसभा को मद्देनजर लड़ते हुए ही चुनाव को लड़ेंगे। अगर हमें हर सीट पे फोकस लड़ना पड़ेगा तो हर सीट पे फोकस लड़ेंगे। 9 विधानसभाओं से एक लोकसभा हरियाणा की कॉन्स्टिट्यूट होती है। हमारे जो 90 भविष्य के उम्मीदवार हैं उनकी भूमिकाओं पर लोकसभा का चुनाव लड़ने का काम। अभी चर्चा चल रही है, दो लोकसभा क्षेत्र के साथियों से चर्चा हुई है, बची हुई 8 लोकसभा को हम अगले 4 दिन में कवर करेंगे। उसके बाद पार्टी की पीएसी के आगे हम अपनी रिपोर्ट भी रख देंगे। जो निर्णय संगठन की लीडरशिप का होगा उसके ऊपर काम। आपको एक चीज बड़े अच्छे तरीके से कह सकता हूं कि हमने जो आखिरी एनडीए की हमारी चर्चा की मीटिंग हुई थी उसमें भी ये विषय रखा था कि 5100 रुपया पेंशन कर दो, आपके 10 सिटिंग एमपी हैं, हम 10 के 10 सीटों पर आपका साथ देने को तैयार। हमारा एक इशू पूरे घोषणा पत्र का जो हम पूरा नहीं कर पाए, वो हमारी मांग थी, उसको हमने रखा। उस इशू के ऊपर विचार के लिए समय मांगा गया और सुबह मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि सीएम रिजाइन करते हैं तो पूरी कैबिनेट रिजाइन हो जाती। मुख्यमंत्री जी ने रिजाइन किया, बीजेपी की बैठक हुई, सरकार वो पहले भी अकेले बना सकते थे, अब भी बनाई है, उस समय उनको हमारा सहयोग चाहिए था, उनने लिया। आज उनको लगा कि हम अपने दम पर बना सकते हैं, उन्हें बना लिया। मेरे पास जो सुविधाएं थी विद इन आवर्स मैंने भी सारी रिटर्न कर दी। मैंने तो चीफ सेक्रेटरी को भी लिख के भेज दिया कि ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन मेरे को दे दीजिए। आज के दिन चौधरी देवीलाल जी के जीवन से एक चीज सीखे कि राजपाट किसी के बापोती नहीं, ये तो आते जाते की चीज। मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो और मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा में भी सदस्य लेके आएंगे और लोकसभा के अंदर भी हरियाणा को गूंगा नहीं रहने देंगे। इस चुनावों के अंदर ऐसा नेतृत्व जरूर लोकसभा में जाएगा जो जैसे मैंने 5 साल सांसद के बतौर कमेरे की आवाज बनकर लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई लड़ी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।